भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित कार्यालय पर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और प्रभारियों को महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने अंग वस्त्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, महापौर सीताराम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी एवं प्रभारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड बहुमत के लिए गोरखपुर क्षेत्र के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता को बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुए महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान एवं परिश्रम का ही नतीजा है कि भाजपा को यह प्रचंड बहुमत प्राप्त हुई है। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, भारतीय नगर मंडल प्रदीप सिंह सेक्टर संयोजक अग्रवाल जी, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय पुष्पा जैन जी, क्षेत्रीय मंत्री सुजीत सिंह खासू जी, राजीव रंजन अग्रवाल जो नगर विधानसभा के प्रभारी थे, राजीव रंजन अग्रवाल जी, महामंत्री राजेश गुप्ता जी, देवेश श्रीवास्तव जी, महानगर विजय आप लोगों ने दिलाया है, रिकॉर्ड मतलब से आप लोग सम्मान वापस लिया है, आप लोग उसके सम्मान समारोह के आशीर्वाद और उनके विकास के जो कार्य हुए हैं उसको लेकर के जब हम लोग जनता के बीच में जाते थे और जितने कार्यक्रम आप जैसे देवकुल कार्यकर्ताओं को समर्पित किया जाना चाहिए और जितना मेहनत की पराकाष्ठा आप लोगों ने की है, निश्चित तौर पर आज का ये सम्मान बहुत छोटा सम्मान है, आपके लिए सम्मान कोई बड़ा सम्मान नहीं है। शहर और ग्रामीण पर जो तो विधानसभा है यानी 1-10 यानी 10 बूथ को हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृपया उन्होंने स्वयं उठाया और उन्होंने कहा कि विधानसभाओं का जो टॉप 5 बूथ है 5 बूथ उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा और इतना जल्दी हो जाएगा मुझे खुद कल्पना नहीं थी। मैं 23 को जब परिणाम आया और 24 को इसी कार्यालय पे नवनिर्वाचित सांसद का आप सभी के उपस्थिति में यहाँ पे नवनिर्वाचित सांसद का अभिनंदन किया गया। अब 25 को मैं बाहर चला गया था और फिर मुझे आप लोग के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए फिर मुझे वापस आना पड़ा था एक दिन के लिए। और जब बूथ के कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री जी सम्मानित हुए आप कल्पना कीजिए कि कितना गर्व की अनुभूति किए होंगे। प्रथम धर्मदेव चौहान जी पार है, लक्ष्मीपुर दिव्य सिंह जी मंत्री पास आ जाइए, पुराना गोरखपुर उमेश चंद पांडे जी दीक्षित जी आग्रह करता हूँ जी को होता भी
लोकसभा 2019 के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिन्हें जो नारा दिया था अब की बार 300 पार और एनडीए के साथ लगभग 400 के आसपास, इस चुनाव का जो परिणाम आया निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, पराकाष्ठा की और श्रद्धेय मोदी जी के कार्यों को लेकर के जो जनता ने अपना मोहर लगाया और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के विकास कार्यों को जो कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ा करके और उन योजनाओं को मोदी जी और योगी जी के कार्यों को लेकर के जनता के बीच में हम सभी गए और जनता ने अपनी स्वीकार्यता देते हुए और जिस प्रकार उत्साह दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, निश्चित तौर पे मोदी जी और योगी जी के इस पराक्रम को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, पराकाष्ठा की। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर की इकाई के द्वारा आज सेक्टर के हमारे संयोजक, महानगर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और पार्षदों को और मोर्चों के अध्यक्षों को यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित करके हम लोग उन्हें सम्मानित करने का काम कर रहे हैं और इस प्रकार नीचे मंडलों में भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि बूथ अध्यक्षों को भी सम्मान किया जाएगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सम्मान का अधिकारी है, वो हकदार है इसका और पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को हमेशा पूछती है और केवल काम निकल जाने के बाद ऐसा नहीं कि उनकी पूछ नहीं होती। इसी योजना के तहत हम लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए हैं, आगे भी इस कार्यक्रम को आयोजित करते रहेंगे और एक एक कार्यकर्ताओं को सम्मानित हम करते रहेंगे।